हाय मीना, बहुत 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 सारा प्यार। देखो, सन 1978 से फ्रॉम 1978 टू डेट हम लोग कॉन्स्टेंटली संपर्क में रहे। इतनी बढ़िया दोस्ती हमने शेयर करी, इतने प्यारा समय हमने शेयर किया कि उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। हम लोग देखो, तुम्हें याद है कभी कभी बहुत भूख लगती थी तो 5-5 पैसे इकट्ठा करके सेव परमल मंगाते थे, कभी कैंटीन में जाके चाय पीते थे, खूब प्रेम पूर्वक सब लोग मिलके खाना खाते थे, और सबको एकजुट रखने का सबसे बड़ा श्रेय मीना सिर्फ तुमको जाता है, सिर्फ तुमको। मुझे अभी भी याद है कभी मैं और नीता लड़ाई हो जाती, कभी रेनू की और मरियम की लड़ाई हो जाती, सब लोग आपस में कभी कभी छोटी मोटी बातों पे उलझ जाते। तुम्हारा एक ही काम था सबको सुलझाना। कितने बढ़िया दिन थे मीना, कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। फिर अचानक से भाई साहब से तुम्हारी दोस्ती, फिर हम लोग सारे कुछ बीच में ऊंच परेशानियों के कुछ दौर, फिर उनको पार करने के बाद मेरे पापा जो कि बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, उन्होंने मुझे तुम्हारी शादी में लेकर आए, खुद ऑटो में बाहर बैठे, कहा 10 मिनट के लिए मैं ऑटो में बैठा हूँ, जाओ मिल लो अपनी दोस्त से। मैं अंदर आई, डरी सहमी तुमसे मिली, और फिर 5-6 मिनट में तुमसे मुलाकात की। तुम इतनी खुश हुई थी मुझे देखकर, क्योंकि मैंने अपने जीवन में तब तक की उम्र में अपने दोस्तों में से किसी पहली फ्रेंड की शादी अटेंड की थी। फिर उसके बाद 5-10 मिनट में वापस आ गई। फिर मीना, कितने प्यारे दिन थे, कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। खूब मधुर, खूब प्यारे दिन रहे, ऐसा ही कह सकते थे कि ना बिकी थी तेरी दोस्ती, खरीदार हम हो गए, तुझे पता ही ना चली तेरी कीमत, तुझे पागल सबसे अमीर हम हो गए। बहुत बहुत प्यार। हेलो मीना, ऑन दिस स्पेशल ओकेशन आई हैव रिटन अ फ्यू लाइंस फॉर यू, होप यू वुड लाइक इट। वेल डन एंड हार्टी कांग्रेचुलेशंस ऑन सक्सेसफुली कंप्लीटिंग this marathon phase of your career in one of the most respected profession of teaching, which helps in contributing towards the national cause of imparting education to students. Congratulations on successfully completing this phase of life, keeping a proper balance between family and career. You have spent around 38 years in this career, and with unconditional support of Sudhir Jijaji, have brought up Bittu, Titu and Sumi, who are moving ahead on their life now at their own. It's time now to spend with yourself and do things and hobbies you always aspire to do in your life when you're busy. Try to keep yourself busy now, as I believe a person never retires until his last breath. So wishing you the best for a happy and relaxed new phase of life. Thank you very much. Hello Meena, happy retirement. Kaisi hai? Now bye bye tension and welcome pension. Chalo mas, badhiya. लाइफ अब बहुत खुशनुमा हो जाएगी। सुबह उठकर स्कूल जाने का चक्कर ख़त्म। बहुत साल तूने जॉब किया और बहुत अच्छे से निभाया। समझ सकती हूँ घर और स्कूल दोनों साथ साथ कैसे तूने मैनेज करा होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा। ये वो लाइफ भी तूने इंजॉय करी होगी। अब आशा करती हूँ कि आगे की तेरी लाइफ भी बहुत बढ़िया रहे और फैमिली के साथ इंजॉय करें। और क्या, बस अपने कॉलेज के दिन याद करते रहना। मस्त, बढ़िया।
चाय पीते रहना और स्टार मेकर पर गाने गा के भेजते रहना। ऑल द बेस्ट तेरी इंटायर फैमिली को, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाय मीना, बाय। हेलो मम्मी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो आज आपका सेकंड डे रिटायरमेंट का, राइट? कैसा लग रहा है आपको? बहुत मज़ा आ रहा होगा ना? ना 9 to 5 की झंझट, ना कोई डेडलाइंस, और ना ही वार्डरोब की तरफ देखकर ये सोचने की कि यार आज क्या ऑफिस में पहन कर जाओ। आई विश कि अब मेरा डिपार्टमेंट भी हमारी रिटायरमेंट एज को कम कर दे, तो फिर मैं भी रिटायर हो जाऊँ और हम दोनों एक लॉन्ग हॉलीडे पर जाए। पर पता नहीं अब ऐसा होने में कितना टाइम लगेगा। तो आप तो रिटायर हो चुके हो, तो आप खूब एंजॉय करो, अपनी हेल्थ पर भी खूब ध्यान दो, और बस किसी भी चीज़ के लिए अब मत सोचो। एंजॉय एंजॉय और एंजॉय। और भी 2-4 एडवाइस है मेरे पास आपको देने के लिए, लेकिन मैं आपको फ़ोन पे देती हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो बोर हो जाएगा, है ना? चलो, हैप्पी रिटायरमेंट एंड लव यू। हेलो मीना दीदी, यू हैव बीन अ स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर ऑफ योर फैमिली, यू हैव वर्क थ्रू आउट योर लाइफ, यू हैव गिवन अ गुड अपब्रिंगिंग टू योर किड्स, एंड नाउ इज़ द टाइम दैट यू हैव with you is for enjoying yourself to the highest. So I wish that with the retirement life you should focus only on your strengths and energies and utilize them positively for your hobbies, so that you do something which is for your own self. Earlier you have done for all the family members and you have given them a very good lifestyle, and they are happily leaving now. Hi mummy, happy retirement. बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अब आप retirement को full enjoy करना, अपने लिए खूब time निकालना और अपनी health का ध्यान रखना। जितना आप इतना काम करते हुए थके हो, अब उस पूरी थकान को उतार लेना, और जिस तरीके से जो balance आपने हमारे और आपके काम के बीच में इतनी कड़ी मेहनत करके इतने सालों तक रखा है, बस वही बैलेंस अब आपके रिटायरमेंट और आपकी हेल्थ के बीच में रखना। ऑल द बेस्ट।